हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक यूनिक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है एयरफोर्स की तरफ से अग्निवीर नॉन कॉम्बैट रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी, ये वैकेंसी ऑफलाइन फॉर्म आपका रहने वाला है। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो कि अनमैरिड होंगे उनके लिए ये वैकेंसी आई है। सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि इसका आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जॉब को लेकर अगर थोड़े से भी सीरियस हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि एयरफोर्स में अग्निवीर नॉन कॉम्बैट रिक्रूटमेंट आई है, इसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स ना 1000 प्लस रखा गया है। मतलब कि आपको 1000 से ज़्यादा सीट के लिए वैकेंसी आई है। अप्लाई करने की डेट की अगर बात करें तो आपका 19 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट है एंड लास्ट डेट आपका है 1 सितंबर 2023। फ्रेंड्स, ये ना ऑफलाइन फॉर्म है तो आपके पास ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। और यहाँ पे मेंशन भी किया गया है इसके नोटिफिकेशन में कि 1 सितंबर तक है ना, आप जो अपना एप्लीकेशन भेजोगे डाक के थ्रू वो वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट भी नहीं कर सकते हो। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो जितना जल्दी हो ना आप फॉर्म को अभी डाक के थ्रू भेज दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि संडे वगैरह को तो फिर आपका काम होगा नहीं और टाइम बहुत कम बचा है। सो आपकी जो फॉर्म की फी रहेगी ना वो आपको 0 रुपीज रहने वाली, मतलब कि कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास आउट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, नोट का एक है कि वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे जो ना अनमैरिड होंगे, अनमैरिड मेल्स के लिए ये वैकेंसी आई है। एज लिमिट अगर देखें 17.5 ईयर्स, मतलब कि 17.5 साल से लेके 21 साल के एज वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे बॉर्न बिटवीन 28 दिसंबर 2002 से आपका 28 जून 2006, मतलब कि इस डेट से इस डेट के जो बीच में जिनका जन्म हुआ है वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि एज लिमिट आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें थोड़ा फोटोग्राफ को लेकर के भी बहुत सारा बच्चा ये रहता है ना, कंफ्यूज रहते हैं। तो फोटो आपका ना 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। आपका जो फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट है वहाँ से आपका इस फोटो का 6 मंथ कैलकुलेट होगा। और हाँ, स्पेशली यहाँ पे ना आपको एक ब्लैक स्लेट पे नाम और डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। और नेम जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, मतलब कि बड़े अक्षरों में इंग्लिश में आपका नाम ब्लैक स्लेट पे लिखा होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रख के फोटो क्लिक कराए, जल्दी से निकलवा के अपना फॉर्म जो है आप पोस्ट के थ्रू भेज दो। अब देखते हैं हम लोग की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 5 स्टेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जामिनेशन जो कि होता है 20 मार्क्स का। देन होगा आपका फिजिकल जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि उसमें आपको हर हाल में क्वालिफाई करना ही होगा। देन होगी आपकी स्ट्रीम इफिशियंसी टेस्ट 30 मार्क्स के लिए। फिर होगा आपका मेडिकल एंड सिंपल सा एक DV होगा, तब जाके आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की पैटर्न क्या रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में ना GK एंड GS का, मतलब कि जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहेगा एंड इंग्लिश के आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए रहेंगे। ओवरऑल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए एंड टाइम जो है आपका 30 मिनट्स, यानी कि आधे घंटे का पेपर होगा। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए रहने वाला है। ये क्वालिफाई करने के बाद होगा आपका फिजिकल। तो आओ बता देती हूँ फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हाइट जो होता है ना, मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की रिक्वायरमेंट ऐसा सेंटीमीटर में तो नहीं बताया गया, बट ये वहाँ पे मेंशन है 5 सेंटीमीटर का ना एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट की बात करें तो एज पर योर हाइट ना वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपके हाइट के अकॉर्डिंग अगर वेट सही है तो आप इलिजिबल हो।
रनिंग की बात करूं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है 6.5 मिनट्स में। पुशअप्स की अगर देखें फ्रेंड्स, तो आपका पुशअप ना 10 पुशअप रहेगा, सीटअप्स आपके 10 रहेंगे, स्क्वाट्स रहेगा 10, मतलब एक एक मिनट का ये तीनों चीज आपका होने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, मैंने आपको एग्जाम पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया, फिजिकल एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपका स्ट्रीम इफिशियंसी होगा, उसके बाद होता है आपका मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दी जाती है, आप जाके ज्वाइन कर लेते हो। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैलरी कितना मिलने वाला है, चूंकि ये अग्निवीर के तहत वैकेंसी है तो आपको चारों साल ना अलग अलग सैलरी मिलने वाला है। तो अगर फर्स्ट ईयर की मैं बात करूँ तो आपको 30,000 पर मंथ की सैलरी रहेगी, सेकेंड ईयर आपका 33,000 हो जाएगा, थर्ड ईयर 36,500 की सैलरी रहेगी, फोर्थ एंड लास्ट ईयर आपको 40,000 का रहने वाला है। तो फ्रेंड्स उदास नहीं होना है कि अग्निवीर के तहत वैकेंसी है तो मैं अप्लाई क्यों करूं, मतलब होता है ना कि बाद में आपको फोर इयर्स के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहने वाली, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में ना आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि अग्निवीर के लिए इतना परसेंटेज सीट आपका ना रखा रहेगा, मतलब कि आप एक सर्विसमैन के तहत भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बाद में आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेगा जो कि आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो ना फ्रेंड्स, तो जितना जल्दी हो सके ना आप फॉर्म को डाक के थ्रू आप पोस्ट कर दो। चलो मैं बता देती हूँ इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आधार कार्ड रहेगा, देन आपका 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र रहेगा, देन आपका कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये सारे जो सर्टिफिकेट है ये आपको पंचायत अधिकारी, प्रिंसिपल किसी स्कूल कॉलेज के या फिर गजट अधिकारी के थ्रू आप अगर ये बनवाते हो तो आपका ये मान्य रहने वाला है। 10 रुपये का डाक टिकट आपका लगेगा जो कि आप पोस्ट करने के लिए यूज करोगे, अगर 10 रुपये का ना मिले तो 20 रुपये वाला आप यूज कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए आपका, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो आप उसको भी रख के और पोस्ट कर देना। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं एयरफोर्स अग्निवीर नॉन कॉम्बैट रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग आप उसको समझ पा रहे होंगे अच्छे से, और अगर समझने में फ्रेंड्स थोड़ी सी भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन किस लिए बनाया गया, आप आओ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज पूछो, मैं आपकी क्वेरीज को वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज इस जो जॉब का नोटिफिकेशन है ना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो फ्रेंड्स आपको मेरे टेलीग्राम, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाके वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आप चाहो तो वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज करोगे तो मैं आपका क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और हाँ फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए अपकमिंग रिक्रूटमेंट के बारे में, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो भर भर के लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी फ्रेश वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी फिर से किसी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।